हेलो डियर स्टूडेंट, एनसीईआरटी कंसेप्ट में आपका फिर से वेलकम है। दोस्तों, जो हमारी जो सीरीज चल रही थी साइंस की, उसमें इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हमने पूरा करवा दिया है। यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, और वो जो वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी की, दो वीडियो है, दोनों को देखें पहले, और फिर क्या करें, ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि हर बार पेपर में इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है उसमें से 3 या 4 नंबर में न्यूमेरिकल पूछ लेता है, तो एक एक नंबर ही बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। और हर बार जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे वो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के हो, चाहे यूपीएससी का हो, चाहे जितने भी एग्जाम होते हैं, लगभग उनमें से कोई आपको देखने को मिलेंगे न्यूमेरिकल। एयरफोर्स के लगा लो, नेवी के, एनडीए के, जितने भी एग्जाम है, तो ये न्यूमेरिकल आपको दी बेस्ट होंगे। और ये न्यूमेरिकल यदि आप कर लेते हैं तो आपके 2-3 नंबर हर पेपर में पक्के हो सकते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज इलेक्ट्रिसिटी के बारे में तो हमने पढ़ा दिए 2 चैप्टर, ठीक है, इसके बारे में 2 पार्ट है, वो पहले देखें फिर ये न्यूमेरिकल करें। और ये इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इसलिए है क्योंकि ये हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, 6 टर्म है, देखिएगा। पहले हमने पढ़ा था जो इलेक्ट्रिक करंट है, यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं है तो पहले फॉर्मूले याद कर लें। इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होगा, चार्ज अपॉन टाइम। पोटेंशियल डिफरेंस की बात की थी हमने, वर्कडन अपॉन चार्ज। ओम्स लॉ के बारे में पढ़ा था, V is equal to IR, और रेजिस्टेंस सीरीज में क्या होता है, R1 और R2 और R3, और पैरेलल में क्या होता है, 1 by R1, 1 by R2, 1 by R3, ठीक है ना। ये वे फॉर्मूले हैं दोस्तों जिन पे हर बार हर पेपर में 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछ लिया जाता है। तो ज्यादा समय न खराब करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो फॉर्मूला है उसमें देखते हैं, और जो दूसरा फॉर्मूला है उसमें न्यूमेरिकल देखते हैं कुछ। पहला न्यूमेरिकल देखिए आप स्क्रीन पे, एक करंट है, कितना एम्पियर है, 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय ए फिलामेंट ऑन एक इलेक्ट्रिक बल्ब में से 0.5 एम्पियर जो है विद्युत धारा गुजार दी जाती है, और 10 मिनट के लिए फाइंड द अमाउंट ऑफ, हमने निकालना क्या है कि उसके अंदर कुल इलेक्ट्रिक चार्ज है वो कितना फ्लो किया है, ठीक है। एक बार फिर से समझा देते हैं, एक डायग्राम है और एक जिसमें एक बल्ब लगा हुआ है, तो उसमें से हमने इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें से हमने 0.5 एम्पियर का जो करंट है उसमें से गुजार दिया है, और हमने पूछा है, इसने पूछा है फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, कुल इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है उसके अंदर से जो बह रहा है, फ्लो कितना है उस सर्किट में, ये बताना हमें, ठीक है ना दोस्तों। तो हम बता देंगे, यदि हमने पहला जो चैप्टर पढ़ा है, इलेक्ट्रिक करंट किसके बराबर होता है, चार्ज अपॉन में टाइम के बराबर होता है, तो हम उसकी जो चार्ज की वैल्यू है, इसने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पूछा है तो हम इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बता सकते हैं। तो लगाइए फॉर्मूला, आई इक्वल किसके बराबर, क्या हुआ, अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम। हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, और उसके बाद में क्या है, टाइम भी दे रखा है, कितना टाइम, 10 मिनट है, 10 मिनट को सेकंड में बदलेंगे तो 600 सेकंड होगी, होगी या नहीं होगी। अब देखिए, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास है, टाइम भी हमारे पास है, निकालना क्या है, चार्ज निकालना है, तो निकाल देंगे यहां से, आई मल्टीपल में चला जाएगा टी के, और चार्ज के बारे में ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए हमारे पास वैल्यू जो है, चार्ज की वैल्यू कितनी है हमने निकालनी है, करंट की वैल्यू कितनी है, 0.5 एम्पियर लिख देंगे इधर, और मल्टीप्लाई में किससे कर देंगे, 600 सेकंड से, और आपके पास क्या आया, 300 कूलम। चार्ज के साइड जो कूलम होती है ना, तो आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज है टोटल 300 कूलम आ गया, ठीक है। ये आपको ऐसे करना है, बिल्कुल हलवा है दोस्तों, ठीक है ना, अच्छी तरह से करना। इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल आपकी किताब में दिए हैं तो आप सारे के सारे कर डालोगे अब, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब जो दूसरा जो फॉर्मूला है उसके बारे में पढ़ते हैं। अ
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाउ मच उपवर्तन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ टू कूलम्ब अक्रॉस टू पॉइंट हैविंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। इस बार इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। V इज इक्वल टू क्या है, वर्गड़न अपॉन चार्ज। अब ये मेरे को बताना आप कमेंट में कि वर्गड़न इसके अंदर क्या दे रखा है और चार्ज क्या है। देखो कितना वर्गड़न होगा जब कोई चार्ज दो कूलम्ब क्रॉस करेगा किसके बीच में, दो पॉइंट चार्जों के बीच में, और उनका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो दे रखा है। हमारे पास V दे रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस को V से डिनोट करते हैं तो हम लिख देंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 12 वोल्ट है या नहीं है। और क्या दे रखा है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है ना, तो वर्गड़न निकालना है। चार्ज की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 कूलम्ब। अब देखो कितना आसान हो गया ये, हमने क्या निकालना है, वर्गड़न तो हमारे पास नहीं है, वर्गड़न हमें निकालना है, वही इसने पूछा है तो निकाल देंगे। बिल्कुल इजी है, देखिएगा V इज इक्वल टू W अपॉन Q, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे हम, हमारे पास वर्गड़न की वैल्यू मिलेगी। यहां से मिली तो हमने दोनों वैल्यू को इधर रख दिया, V की जगह V की वैल्यू रख दी और चार्ज की वैल्यू 2 रख दी, तो हमारे पास वर्गड़न कितना आ गया, 24। क्या आया, 24। वर्गड़न की सही रेट बताई थी मैंने, जूल होती है, क्या होती है, जूल होती है, तो 24 जूल मिला हमें, क्या मिला, आंसर मिला। दोस्तों दो फॉर्मूले थे ये, दोनों फॉर्मूला के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं अपनी किताब में से वो सारे के सारे कर डालना, ठीक है, इस मेथड से आपको जल्दी ही हो जाएंगे। अब जो अगला जो ओम्स लॉ पे देखते हैं हम, उसके बारे में पढ़ते हैं। जो अगला नेक्स्ट कंटेंट है जो न्यूमेरिकल है, अगला ओम्स लॉ पे, ओम्स लॉ में पता है V इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, IR के बराबर होता है। यहां से हम यदि वैल्यू आई की दे दे और आर की दे दे तो पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, यदि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू दे दे तो करंट की दे दे तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहां पर पढ़ेंगे हम इसके बारे में, जो न्यूमेरिकल है क्या कह रहे हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल जो हीटर है उसके बीच के जो टर्मिनल है उनका जो अंतर है, पोटेंशियल डिफरेंस है, विभवांतर है, वो कितना है, 60 वोल्ट है, 60 वोल्ट है, ठीक है। हमें क्या पता है कि 60 वोल्ट है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं तो उसकी वैल्यू हमें पता है, इसने दे रखी है ना। तो अगली बात कर रहा है कि जब इसके अंदर करंट को 4 एम्पियर करंट को इसके अंदर फ्लो कर देते हैं, कितना करंट, करंट की वैल्यू भी दे दी हुई, कितनी, 4 एम्पियर। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, उससे पहले आगे क्या कह रहा है ये, व्हाट करंट विल द हीटर ड्रा, कितना तो करंट जो हीटर है ड्रा हुआ, इफ यदि पोटेंशियल जो है उसको कितना इंक्रीज कर दिया जाए, 120 वोल्ट इंक्रीज कर दिया जाए तो हमारे पास कितना करंट मिलेगा, ठीक है। इससे पहले हमें क्या पता है कि ओम्स लॉ का पता है, ओम्स लॉ किसके बराबर होता है, यहां से हम निकाल सकते हैं V इज इक्वल टू आई आर। जी हाँ दोस्तों, V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो V की वैल्यू भी है और I की वैल्यू भी है, बट R की वैल्यू नहीं है, वो हम यहां से निकाल लेंगे, जिससे हम क्या निकाल देंगे, फिर आगे हीटर की पोटेंशियल डिफरेंस निकाल देंगे, किस कितना इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देखेंगे यहां से V इज इक्वल टू आई आर और V अपॉन में आर, आई लिख सकता हूं, नहीं बिल्कुल लिख सकता हूं यहां से मैं, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, V की वैल्यू है, मैंने V की वैल्यू रख दी 60 वोल्ट, और आई की वैल्यू कितनी है, 4 एम्पियर यहां पर रख दी, और रेजिस्टेंस के बराबर आएगी, और ये इसको काटोगे तुम तो कितना आएगा, 60 को काटोगे तो कितना आएगा, 15, तो 15 आ गया। रेजिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं, ओम में, तो हमारे पास यहां से आर की वैल्यू आ गई कितनी, 15 ओम। अब ये क्या कर रहा है, पोटेंशियल जो है इंक्रीज कर दिया जाए 120 वोल्ट, द करंट इज गिवन बाय, करंट इज गिवन बाय, करंट का फॉर्मूला ओम्स लॉ के द्वारा पता है कि करंट क्या होता है, V अपॉन आर होता है, नहीं देखिए करंट निकाल लें, ठीक है, यहां से करंट को निकालेंगे तो V के अपॉन में R आ जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि कितना इंक्रीज किया गया, 120,
तो हम 120 रख देंगे। और कितना रेजिस्टेंस है दोस्तों, हमने अभी निकाला है 15, और कितनी करंट निकला हमारे पास 15 × 8 = 120। और 8 जो इलेक्ट्रिक करंट है किस में मेजर करते हैं, 8 एम्पियर में करते हैं। डियर स्टूडेंट, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, सॉरी। तो इसलिए हम ओम्स लॉ के बारे में इस न्यूमेरिकल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ऐसे इस टाइप के सारे कर सकते हैं। तो पेपर में बिल्कुल आने के चांस है दोस्तों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन के पेपर में भी बहुत आता है ये, ठीक है ना। इस तरह के क्वेश्चन यदि आप अभी नहीं कर सकते तो दोस्तों आपकी मर्जी है, वैसे बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत आसान है, यदि आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब तक तो पढ़े थे तीनों न्यूमेरिकल, इसके इन फॉर्मूले पर बेस्ड थे। अब जो न्यूमेरिकल है वो रेजिस्टेंस सीरीज पे और पैरेलल पे बेस्ड है, ठीक है ना फ्रेंड। तो शानदार न्यूमेरिकल है, आपकी एक्सरसाइज एनसीईआरटी का 12.7 का न्यूमेरिकल है, इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है आप कर सकते हैं इस, यदि आपने ये समझ लिया तो, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल लैंप है उसके अंदर रेजिस्टेंस कितना है 20 ओम का है टोटल, और कंडक्टर कितना है 4 ओम दे रखा है रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। और कनेक्टेड किससे है, 6 वोल्ट की बैटरी से, जैसा कि आप देख रहे हैं डायग्राम आपको दिख रहा होगा, 6 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस है 4 ओम का, और एक एमीटर और एक कुंजी और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की, यदि आपको पता हो तो। अब इसने पूछा है अभी टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा इसमें, ठीक है, तो बता देंगे। जो इसने पहला जो रेजिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, R1 दे दिया इसने 20 ओम, सही है। और R2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, कितनी है 4 ओम। अब ये पूछ रहा है टोटल रेजिस्टेंस कितना है, दोनों को ऐड कर दो, सीरीज में या पैरेलल में, सीरीज में, तो R1 और R2 ये हो गया टोटल 20 और 4 24 ओम, क्या मिला हमें टोटल रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया है जिस जो हमें 24 ओम प्राप्त हुआ है। अब ये पूछ रहा है अगला करंट थ्रो स्पीड, कितना टोटल करंट बताना है इसके अंदर कितना बह रहा है, क्या करंट, ठीक है। तो बता देंगे पोटेंशियल डिफरेंस इसने पहले ही दे रखा है, यहां पर कितना है 6 वोल्ट है दे रखा है ना, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोस्तों 6 वोल्ट है, ठीक है। अब इसलिए पूछा गया है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूछा है, तो इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम बता देंगे इसको किसके द्वारा, ओम्स लॉ के द्वारा, ओम्स लॉ इसमें यूज कर लेते हैं। क्या होता है V=IR होता है नहीं होता है, होता है। तो इसने पूछा है करंट के बारे में, तो करंट निकाल देंगे हम V/R, वी कितना है 6, और रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू टोटल 24 ओम हमने निकाल दी, और 6 से डिवाइड करेंगे तो 1/4, क्या मिला हमें करंट की वैल्यू मिलगी 1/4, और इसको हम लिख सकते हैं 0.25 एम्पियर। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल हलवा, बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है, एनसीईआरटी कंसेप्ट है। यदि अब भी आप ये नहीं कर रहे तो आप इससे ज्यादा से ज्यादा वीडियो को देखें, और आप क्या करें ज्यादा से ज्यादा इस न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करें, इससे संबंधित जितने भी न्यूमेरिकल है उसकी आप प्रैक्टिस करें। और अगला जो न्यूमेरिकल है, अब हमने रेजिस्टेंस सीरीज का पढ़ लिया, अब अगला हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस इन पैरेलल, किसका पढ़ेंगे दोस्तों रेजिस्टेंस इन पैरेलल। रेजिस्टेंस इन पैरेलल की बात कर लेते हैं अब हम। अब जो अगला जो न्यूमेरिकल है दोस्तों वो किस पे है, पैरेलल पे है। रेजिस्टेंस दे रखे हैं 3 R1 R2 और R3, उनकी वैल्यू दे रखी है 5 ओम 10 ओम और 30 ओम। ये R1 ये R2 ये R3 ये तीनों ही पैरेलल है, जो सेम डायग्राम है रेजिस्टेंस जो पैरेलल में किया था हमने, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो क्या है, चार्ज जो है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ
फ्लोर है, ठीक है, R1 और R2 और R3 दे रखे हैं और पूंजी लगा दी और एमिटर और ये पोटेंशियल डिफरेंस हमें पता है। पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है कब? पैरेलल में रेजिस्टेंस याद है डिफरेंट दे रखा है और करंट डिफरेंट होगा, होगा या नहीं होगा? तो हम यहां से पोटेंशियल डिफरेंस ने 12 वोल्ट दे रखा है तो V इक्वल टू किसके बराबर होता है? IR के बराबर होता है, होता है नहीं होता है? V इक्वल टू किसके बराबर होता है दोस्तों? IR के। तो यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे? करंट की वैल्यू निकाल लेंगे। किसकी वैल्यू निकालेंगे? करंट की। तो करंट की वैल्यू निकालते हैं यहां से, तो आई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से ओम्स लॉ के द्वारा। तो आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे? वी अपॉन आर। जी हाँ, तो रेजिस्टेंस 1 की वैल्यू निकालेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट है, रेजिस्टेंस 1 दे रखा है 5 ओम, ठीक है। अब यहां से I2 की वैल्यू निकालेंगे, करंट तो डिफरेंट है, कितना होगा? V अपॉन में R2। V कितना हमारे पास? 12 वोल्ट है और R2 कितना है? 10। यहां से V3 की I3 की वैल्यू और निकाल सकते हैं, हमने निकाला I3 की, कैसे निकालेंगे? वही V अपॉन में R3 और वैल्यू हमारे पास 12 अपॉन में R3 की वैल्यू 30 है, ठीक है ना दोस्तों। यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं I1 की, I2 की और I3 की, तीनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। कैसे? I1 की निकाल दी, I1 की जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2.4 एम्पियर, जी हाँ ठीक है, और इसको करेंगे तो 1.2 एम्पियर, ठीक है। और रही करंट तीसरे की बात I3 की, उसकी वैल्यू निकालेंगे तो कितना मिलेगा हमें? 0.4 एम्पियर, 0.4 एम्पियर। यहां से अब हम ये टोटल करंट निकाल दें, अभी ये पूछ रहा है अभी टोटल करंट निकालो, तो हमने यहां से जो करंट है थ्रू ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस का हमने करंट निकाल दिया है। यहां से हम प्रत्येक रेजिस्टेंस का करंट निकाल सकते हैं। ऐसे ही हम अगला जो क्वेश्चन पूछा इसने टोटल करंट का, वो कैसे निकालेंगे? टोटल करंट का निकालेंगे तीनों का सम करके, तीनों का सम करके करंट भी दे रखे हैं 1.2.4 प्लस 1.2 प्लस में 0.4, ये हमारे पास टोटल सम ऑफ करंट आ गया, ठीक है। कितना आ गया हमारे पास? 4 एम्पियर। इन दोनों को, तीनों को जोड़ोगे तब क्या मिलेगा आपको? 4 एम्पियर, ठीक है। यहां से हम टोटल करंट भी निकाल दिया, अब टोटल रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं। तो रेजिस्टेंस हमें पता ही है, पहले ही हम निकाल सकते हैं रेजिस्टेंस को 1/5, 1/10 और 1/13। अब इनकी कैलकुलेट करेंगे, यदि हम 30 इसको लघुत्तम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है दोस्तों? हमें रेजिस्टेंस में 1/RP इसके बराबर होता है 3 ओम प्राप्त होता है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस पैरेलल में कितना मिला हमें? 3 ओम। यहां से हमने क्या किया? रेजिस्टेंस सीरीज और रेजिस्टेंस पैरेलल, पैरेलल के जितने क्वेश्चन बनते थे वो मैंने करा दिए हैं। अब जो अगला नेक्स्ट टॉपिक है उसका, जो अगला जो न्यूमेरिकल है उसके बारे में पढ़ते। अब जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा था हमने, उस पे बेस है। एन इलेक्ट्रिक आयरन है कोई, कंज्यूम करती है एनर्जी कितनी? 840 वाट, जबकि हीटिंग करते हैं मैक्सिमम रेट कितना है? 300 वाट, 360 वाट का है। जब उसको हीटिंग करते हैं मिनिमम पे तो वो निकालनी है हमें द वोल्टेज कितनी है? 220 वोल्ट, और इसमें ये बताना है कि टोटल करंट कितना है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं किसकी? मैक्सिमम की देखते हैं। इसने कहा कि कंज्यूम करते हैं मैक्सिमम, तो मैक्सिमम की बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है, मैक्सिमम रेट की। तो इसमें आपको देखो, हमें पता है पोटेंशियल डिफरेंस जो हीटिंग ऑफ पावर जो है इलेक्ट्रिक करंट की, वो किसके? वी अपॉन में आई होती है, ठीक है। ये हमने पढ़ा था, पी जो होती है वो किसके होती है? वी अपॉन में आई के होती है। तो यहां से हम देखते हैं कि जो
पी किसके बराबर होती है, वी अपॉन में आई होती है, ठीक है। और हमने यहां से हमने पढ़ा था कि जो आई नहीं होती है, वी इंटू में मल्टीपल में होती है, ठीक है। यहां से हमारे पास देखो क्या क्या दे रखा है, वोल्टेज दे रखी है 220 वोल्ट, ठीक है, और पावर दे रखी है, पावर दे रखी है। हमने निकालना क्या है, करंट, करंट निकालेंगे यहां से, तो वोल्टेज पावर अपन में वोल्टेज, यहां से क्या निकाल सकते हैं, हम आसानी से निकाल सकते हैं कि करंट अपॉन इक्वल होता है पी बाई में वी, ठीक है, पी बाई वी। और हमारे पास दे रखी है जो पावर कितनी है अभी मैक्सिमम में 840 है, बटे में क्या 220 वोल्ट, इन दोनों काटेंगे तो ये आ गया, ठीक है। काटेंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास 3.82 एम्पीयर, ठीक है। यहां से करंट निकाल दिया हमने, कौन सा करंट निकाला, मैक्सिमम रेट पे निकाला है। और अब हम क्या करते हैं, हीटिंग मिनिमम रेट पे निकाल सकते हैं, इसी फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। डियर स्टूडेंट कैसे निकालेंगे हम, इसी फॉर्मूले से क्या निकालना है, पहले रेजिस्टेंस भी निकाल लेते हैं, यदि हमारे पास करंट आ गया और वी आ गई तो हम रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, 220 वोल्टेज अपॉन में क्या 3.82, ये हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आएगी 57.60 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, ठीक। यहां से हमने क्या निकाल दी, मैक्सिमम रेट निकाल दी, इसने पूछा था मैक्सिमम बताओ, फिर इसने पूछा मिनिमम रेट और बतानी है, ऐसे ही मिनिमम रेट बताएंगे। अब पी किसके बराबर होता है, वी मल्टीप्लाई में आई, ठीक है, और मिनिमम बताएंगे तो हमारे पास देखेंगे ऐसे ही करेंगे हम, करंट किसके बराबर होता है पी बाई वी के, ठीक है। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल लिया, इसकी जो पावर है 360 वाट अपॉन में 220, इन दोनों को काटेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने निकाल दी मिनिमम रेट, किसकी निकाल दी हमने मिनिमम रेट, हीटिंग की, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली 1.64 एम्पियर आ चुकी है, कितनी आ चुकी है 18/11 को काटेंगे 1.64 एम्पियर, ठीक है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, अब रेजिस्टेंस फिर पूछ ले इसका, यहां से रेजिस्टेंस इसी फॉर्मूले से निकाल देंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, ठीक है। अब जो अगला जो कंटेंट है वो इसमें हमने क्या निकालना है, पावर ऑफ द बल्ब निकालनी है, इलेक्ट्रिकल पावर, ये अगला जो न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रिक बल्ब दे दिया, वो कनेक्ट है किसके साथ, 220 वोल्ट जनरेटर के साथ, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि करंट है उसके अंदर 0.50 एम्पीयर, तो व्हाट इज द पावर ऑफ द बल्ब, पावर निकालनी है। तो हमने पढ़ा था कि पावर किसके बराबर होती है दोस्तों, यदि आपने इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ा था तो पावर का हमने अभी पढ़ा है थोड़ी देर पहले कि पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीपल में करंट के बराबर क्या होती है, पावर ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर। यहां से देखिएगा वैल्यू किसकी दे रखी है, पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है हमारे पास, तो इसकी जगह वैल्यू रख देंगे 220 वोल्ट, और करंट कितना है दोस्तों 0.50 एम्पियर। यहां से हम ऐसे ही जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं वो ऐसे हम सोल्व कर सकते हैं उनको, ठीक है। अभी देखो कितनी आई, 110 जूल सेकंड या 110 वाट, पावर की जो एसआई यूनिट है वाट होती है, इसलिए ये न्यूमेरिकल जितने भी बनते हैं ऐसे न्यूमेरिकल हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं आपको, तो यही फॉर्मूला लगाना है कि इलेक्ट्रिक पावर किसके बराबर होती है, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के मल्टीपल में होती है। तो ये वैल्यू दे रखी थी, सीधा सा हमने फॉर्मूले में पुट अप करी वैल्यू और हमने ये फॉर्मूला से इलेक्ट्रिक पावर निकाल दी।
दोस्तों ये जितने भी न्यूमेरिकल थे इनसे संबंधित आप जितने भी एक्सरसाइज करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल में कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।